नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तो आज देखिए हम बनाने जा रहे हैं आलू का तरुआ, मतलब बिहारी भाषा में इसको तरुआ बोलते हैं और मुंबई के भाषा में भजिया बोलते हैं। तो इसके लिए देखिए रेसिपी तैयार है, ये मैंने चिकन फ्राई की थी तो उसमें से मसाला बच गया था, तो इसे आप बनाइए, बहुत ही बेहतरीन तरुआ बनने वाला है। और इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन ऐड की हूँ, बाकी के थोड़े थोड़े सभी मसाले हैं। तो यहाँ देखिए तवा भी गर्म है और जो आलू है आलू को मैंने उबाली हूँ, आलू को ज़्यादा नहीं उबालना है, उसमें थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के हल्का उबाल लेना है ताकि भजिया बनाने में आसान हो जाए, तलने में तुरंत बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से, देखिए टूटना नहीं चाहिए आलू, इतना ज़्यादा नहीं उबालना है, ऐसा डिप करना है। और यहाँ पर देखिए तवे में हम ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा तेल में, और इसमें आप चाहे तो एक अंडा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पलट लेंगे, थोड़ा चूल्हा को कम करना है, ज़्यादा फास्ट नहीं रखना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, आज देखिए खाला का भजिया थोड़ा सा जल गया, बोलेंगे खाला भजिया जला दिए, इस तरह से सेक लेना है आराम आराम से, चूल्हा थोड़ा फास्ट था इसके लिए जल गया थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर इसको आराम आराम से बनाइए, देखो थोड़ा सा कम करके चूल्हा, तो माशाल्लाह देखिए अच्छा बना है, चूल्हा कम करके बनाना है। और मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसके लिए थोड़ा मतलब जल गया, यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिए आज थोड़ा सा हम सजा लेंगे। आप सबको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा नेकी बात।